हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके एक एरर का सॉल्यूशन करूंगा। हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने एक एरर आता है, एंट्री पॉइंट नॉट फाउंड। तो आज हम इसी एरर को फिक्स करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और उसकी सर्चिंग बार में लिखना है www.technic.xyz। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ सर्च पर क्लिक करके टाइप कीजिए एंट्री पॉइंट नॉट फाउंड। उसके बाद इसे ओपन कीजिए और यहाँ सबसे नीचे आइए। अब यहाँ पे दो लिंक मिलेंगे, 64-bit और 32-bit। तो आपके कंप्यूटर कौन से बिट का है उसके अकॉर्डिंग फाइल डाउनलोड कीजिए। आप कैसे चेक करेंगे कौन से बिट का है, तो आपको डेस्कटॉप पे आना है, माय कंप्यूटर या दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम टाइप 64-bit होगा या 32-bit होगा। मेरा 64-bit है तो मैं यहाँ 64-bit की फाइल को डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड नाउ। अब यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड होने लग गई है। अब मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ और इस फाइल को डबल क्लिक करके रन करता हूँ। इस पर टिक करके इसको इंस्टॉल करता हूँ। आप देख सकते हैं सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और अब स्टार्ट बटन पर जाके CMD टाइप करता हूँ। अब इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा /scannow, उसके बाद एंटर। ये प्रोसेस कुछ टाइम लेगी। ये आपके कंप्यूटर में कोई भी करप्ट फाइल होगी तो उसे फिक्स कर देगा। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। अब वो सॉफ्टवेयर रन कीजिए जिसमें वो एरर आ रहा था, वो सॉफ्टवेयर आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।